गुड इवनिंग नमस्कार बच्चा लोग कैसे हो एंड हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन बढ़िया सब तो कुशल मंगल शुरू करें क्लास आ जा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस अब देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए ये साल ल में जितने क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस से ही था तो हेडिंग डालो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव ठीक है ध्यान रखना कि प्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का ठीक है एंड तुम लोग कटप्पा कटप्पा करके सही में मुझे फेमस कर दिया तो ऑफलाइन भी मुंह से यही निकल जाता है कटप्पा तुम लोग ना मरवाओगे एक दिन मेरे को कटप्पा गुरुजी कटप्पा गुरुजी करके कटप्पा गुरुजी ही बनवा दोगे तो रूल्स देख लो इसको रिपोर्टिंग भर्व यानी कि अगर सेट टू वगैरह लगा रहे हैं रिपोर्टिंग भर्व को हम आस्क में बदल देते हैं रिपोर्टिंग भर्व को हम आस्क में बदल देते हैं दूसरा चीज यहाँ पे दो चीज ध्यान देना जरा सा यहाँ देखो अगर इन्वर्टेड कॉमा कोमा को जब हम हटाएंगे इन्वर्टेड कोमा को तो इसके लिए हम ईफ लगा देते हैं कहीं कहीं वेदर भी लगा देते हैं लेकिन वेदर का यूज मत करना क्योंकि आजकल कर जितने ऑप्शन आते हैं सब में ईफ आता है वेदर यूज मत करना तो इसमें इफ या वेदर तो हम मैक्सिमम टाइम क्या यूज करेंगे इफ को यूज करेंगे ठीक है हम क्या यूज करेंगे इफ को यूज करेंगे लेकिन ये इफ तब लगेगा इनवर्टेड कोमा को हटाकर जब सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं हुआ हो अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुआ है तो इनवर्टेड कोमा को हटाकर हम डब्ल्यू एच को ही लगा देंगे मतलब व्हाट व्हेन वेयर हाउ इस तरह का अगर सेंटेंस इससे स्टार्ट हुआ हो रिपोर्टिंग स्पीच तो हम डब्ल्यू एच को ही उतारेंगे उसमें इफ या वेदर नहीं लगाएंगे मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं समझो कि अगर क्वेश्चन में लिखा रहे डू यू नो मी तो फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम इफ लगा देंगे लेकिन अगर क्वेश्चन से स्टार्ट हो व्हाट इज योर नेम, तो फिर हम इनवर्टेड कोमा को हटाकर उसी डब्ल्यू एच को ले आएंगे उसमें फिर हम ईप या वेदर नहीं लगाएंगे ध्यान रहेगा कोई गड़बड़ तो नहीं होगा आ जाइए क्या दिखाई नहीं दे रहा है मेरे लाल ठीक है आ जाओ तो अब ध्यान रखना कि इनवर्टेड कोमा को हटाकर इफ लगाएंगे इफ हम तभी लगाएंगे जब सेंटेंस डू डज, हैव, हैज़ इस तरह से कुछ स्टार्ट हुआ हो अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच से शुरू हुआ है तो ध्यान रखना कि डब्ल्यू एच ही लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्लियर है अब जरा एक क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूं और उसको देखो उसके बाद तुम लोग अभी बनाओगे जैसे कि ही से टू मी आर यू इल ही Said to me, आर यू इल पच्चीस तारीख तुम लोग तैयार है ना आतंक का दूसरा नाम पहुंच रहे हैं हाँ, पच्चीस को तुम लोग तैयार रहना अब जैसे ये सेंटेंस है देखो ही से आर यू इल अब जरा इसको देख ध्यान से क्या करेंगे हम से किस में बदल देंगे आस्क में बदल देंगे He asked me. अब इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या लगा देंगे इफ लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस इज एम आर से स्टार्ट हुआ है तो अगर इज एम आर से स्टार्ट हुआ है तो हम क्या लगा देंगे इफ लगा देंगे इफ अब यू किसके अनुसार बदलेगा सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो मी उठ के कहाँ गया यू के पास पूछा कौन सा नंबर यू बोला एक नंबर तो क्या बन गया इफ आई इज एम आर किस में बदलता है वॉज वॉर में इफ आई वॉज इल इंट्रोगेटिव साइन को हम हटा देंगे आंसर में हम sign को नहीं लगाएंगे तो क्या बन गया ही ठीक है इफ आई वॉज इल क्लियर है, है यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है होप कि तुम लोगों ने उतार लिया होगा ऊपर वाले रूल को मैं मिटा रहा हूं और अब जरा आ जाओ आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म कर लेंगे हम लोग देखते हैं जरा मैं दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं लिखो सी सेड टू मोहन हैव यू ए रेड पेन सी सेड टू मोहन हैव यू ए रेड पेन इसको बना के भेजो मुझे जल्दी से तुम लोग का एक साथ इतना डिमांड आ जाता है ना कि मैं परेशान हो जाता हूँ पहले बेसिक ग्रामर तो कर ले एयरफोर्स स्टेनो वाले जितने बच्चे हैं पच्चीस नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि पैंतीस नंबर का पहले बेसिक कर लो बैंक वाले उन लोगों का बहुत जल्दी मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ बैंक वाले का परेशान मत हो बेसिक तो बैंक वाला आप लोगों को भी यही करना पड़ेगा हाँ आंसर आ रहा है मेरे पास सियास मोहन इफ ही हैड ए रेड पैन राजेश कुमार यादव हाँ गिरीश मिश्रा ओके आनंद कुशवाहा अमरजीत नहीं वेदर तब लगाइएगा जब निगेटिव रे दिखाई नहीं दे रहा है लेट मी चेंज द मार्कर और इंक डालने दे मुझे आंसर भेजते जाओ अरे बेटा आईबी का स्पेशल इंग्लिश क्लास क्या स्टार्ट करूं ये भी तो वही है आईबी का ही सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं आंसर भेजो आंसर सियास मोहन ही हैड ए रेड पेन कौन है पे नरेंद्र ठीक है हाँ मार्कर चेंज कर रहा हूं इंक डाल रहा हूं आगे आ जाओ सियास मोहन सिमरन ठीक है ठीक है ठीक है अरे तुम लोग मार्कर पे ध्यान मत दो हैडेरेड पेन अभ ठीक है आंसर मुझे आज लेट मिल रहा है पता नहीं हाँ इंक डाल लिये सियास मोहन कौन है अरुण ठीक है प्रशांत ठीक है गुड यार तुम लोग तो अब सही बनाने लगे नीलेष राइट आंसर हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा सियास्ड मोहन इफी हेड ए रेड पेन सीड मोहन इफ हीड ए रेड पेन देख लो आप समझाने की जरूरत नहीं है यू किसके अनुसार बदल जाएगा ऑब्जेक्ट मोहन के अनुसार बदल जाएगा बन गया आंसर ओके सोहेब खान आई एम वेरी वेरी हैप्पी सर क्या हो गया सर प्रियंका दुबे राइट आंसर ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं दस सेकेंड में जवाब दोगे सी सेड टू मी कैन यू किल ए टाइगर सी सेड टू मी कैन यू किल ए टाइगर देखो बनाओ इसको विद इन टेन सेकेंड आई नीड द आंसर ब्रेकअप <laughs> हो गया अरे इसका आंसर भेजो अब देखो ना इंसाफी चार लोग वॉच कर रहे हैं 483 वाचिंग वॉचिंग एंड लाइक कितने हैं 189 अब देख तब ना कटप्पा गुरुजी का दिमाग खराब होता है कम से कम जो लोग वॉच कर रहे हैं वही लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे एग्जामपुर को तो कैसे पहुंचेगा ये गांव गांव के गलियों में तुम लोग आजकल कंजूसी करने लगा है जितने लोग वॉच कर रहे हैं एवरेज उससे ज्यादा होना चाहिए लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो गुरु आ जाइए प्रयागराज घूमेंगे हाँ इफ आई कुड किल ए बर्ड ठीक है आंचल पांडे ओके वीर रथ ठीक है ठीक है आगे भेजते जाओ आंसर क्या हो गया रिप्लाई रुक गए आप लोगों के टेक्निकल टीम नेटवर्किंग ना ठीक है ठीक है ठीक है हाँ अब आ गए अब तो मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं हे भगवान हो गया गड़बड़ एक साथ सारे मैसेजेस आ गए मीनाक्षी बेटा एसएससी का ही चल रहा है कितने बार आप लोगों को बोलूं ठीक है ठीक है विकास आप काफी दिनों बाद आए हो मैं तो कल भी आया था चलो आ जाओ इसका राइट आंसर ठीक है सी आस्ड मी इफ आई कुड सी आस्ड मी इफ आई कुड किल ए टाइगर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दे सेट टू मी विल यू हेल्प मी दे जल्दी जल्दी आंसर भेजना सेड टू मी विल यू हेल्प मी बनाओ इसको हाँ ऑल इन वन नाम तो बताइए अपना तब ना नाम लू मैं आईडी तो तुम लोग ऐसे ऐसे बनाते हो जैसे ओबामा रहो तुम लोग पता नहीं नाम का आईडी बनाने में क्या प्रॉब्लम होता है मेरा भी नाम ले लो सर मेरा बर्थडे कब आ गया तुम लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो मेरा बर्थडे ट्वेंटी नाइन्थ को है चलो आ जाओ जल्दी से इसको बनाओ दे से टू मी विल यू हेल्प मी आंसर भेजने में तुम लोग टाइम लगा रहा है इतना टाइम लगा तो हो गया फिर पचास साठ प्रैक्टिस सोच रहा था करवा दूंगा आंसर आ गया क्या सियाज़मी इफ आई वुड हेल्प हिम सतीश ठीक है नरेंद्र ओके अनिल ठीक है विशाल ओके राजेश हेल्प देम कैसे आ रहा है भाई ठीक है हेल्प दैम अजीत कुमार सही अरविंद कुछ लिखे ही नहीं हो आंसर को अब आगे इतना स्पीडली मैं पढ़ ही नहीं पाया नाम को हेल्प दैम आकाश दीपक कैलाश पवन शुक्ला ठीक है अभी भी देखो पाँच सौ चौदह वॉचिंग है दो सौ निन्यानवे लाइक है देख रहे हो कंजूसी तुम लोग चलो आ जाओ इसका आंसर भेजो विल यू हेल्प मी वाला ओके ओके बहुत बढ़िया है उपेंद्र जी आप बताइए क्या हाल है मीनाक्षी नहीं शादी नहीं हो रखी है बेटा ढूंढ लो तुम लोग अपने लिए भाभी बता देना मुझे आ जाए यहा प्रेरणा मिश्रा ओ हो हाँ हाँ ठीक है तो आज डॉक्टर लोग भी ऑनलाइन है <laughs> चलिए आइए लिखिए क्या था दे सेट टू मी विल यू हेल्प मी क्या बन जाएगा दे आस्क्ड मी मैं आंसर ऊपर लिख रहा हूं दे आस्ड मी इफ आगे बोलो तुम लोग क्या बन जाएगा दे आस्क मी इफ आई वुड हेल्प दैम इफ आई वुड हेल्प दैम आ जाइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ही सेड टू नेक्स्ट दो क्वेश्चन दे रहा हूं दोनों क्वेश्चन बनाना

They said, "Were you present there?" Mano, thank you, Pappu Kumar. जल्दी से दोनों द प्रीवियस डे ग्रीस ठीक है एग्जामपुर का मार्केट में अभी बुक नहीं आया है आ जाएगा काम चल रहा है ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे ओके हम नाम पढ़ना तो मुश्किल हो रहा है एक साथ इतने आंसर आ गए हैं हाँ इ सही कर लिया जोइनिंग द नेक्स्ट डे अभी भी देख लो पांच सौ इकतालीस वाचिंग और लाइक तीन सौ सड़सठ सारा सर ना इंसाफी है मेरे को लग रहा है मेरा आतंक कम होते जा रहा है और तुम लोग भूल गए कि मौत और मिश्रा कभी बोल के नहीं आता लव यू टू शिव सागर जी पढ़ लीजिए इफ आई वॉज ज्वाइनिंग नारायण नारायण यादव सचिन रोहित प्रांसु मिश्रा क्या बताऊं गुरुजी जल्दी से आंसर भेजो गुरुजी जी आकाश ठीक है मीनाक्षी मीनाक्षी बकबक मत कर बच्चा जल्दी आंसर भेज ना बोलते हो तुम लोग ओके ओके ओके, ओके।, ओके।, ओके। कौन है ये राकेश पूजा यादव अभय ठीक है अभिनव अभिनव क्या लिख के भेज रहे हो आंसर भेजो लव यू टू अनुज बेटा आंसर भेज हाँ ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया हो विकास तुम लोग आंसर भेजो हाँ जब तुम लोग को पता है सुशील की मौत और मिश्रा बोलकर नहीं आते फिर भी तुम लोग लाइक नहीं बढ़ा आप तो लाइक का एवरेज बढ़ा है पांच सौ में चार सौ आया है सत्यांश बिल्कुल बेटा चलो अब दोनों का आंसर मैं लिख रहा हूं मिला लो पहला क्वेश्चन था ही सेट टू मी आर यू ज्वाइनिंग ही मोरोस्ड मी इफ आई इफ आई वॉज ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे ही आस्क मी इफ आई वॉज ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दे सेड वॉर यू प्रेजेंट देयर दे आस्क्ड इफ आई हैड बीन प्रेजेंट देयर दे आस्क्ड इफ आई हैड बीन प्रेजेंट देयर अब आधा नाइंटी परसेंट बच्चे आप लोग सही आंसर मुझे देना शुरू कर दिए आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लिया और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को दोबारा एक बार घर पे वाच कीजिएगा और एक्सरसाइज कीजिएगा पीडीएफ कल आप लोगों को आ जाएंगे आज पीडीएफ नहीं हो पाया क्योंकि कुछ रीजन की वजह से कंटेंट राइटर की तबियत खराब हो गई है उसको दिल्ली में ठंड लग गया अब देखो अब नेक्स्ट जो करवा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है पूछे हुए क्वेश्चन है तो लिखिए सी वर यू नॉट लिविंग देयर सी से टू मी वर यू नॉट लिविंग देयर नेक्स्ट आ जाओ सी सेट टू मी डू यू नॉट लव मी लिखो सी सेट टू मी डू यू नॉट लव मी सी सेट टू मी डू यू Not love me. नेक्स्ट आ जाओ पहले ये दोनों बनाओ फिर आगे दूंगा हाँ नीरज हम लोग प्रयागराज आ रहे हैं पच्चीस तारीख को जरूर मिलने के लिए आना प्रिय रंजन सियासमी इफ आई हैड बीन लिव्ड देयर बेटा गलत बनाया हो क्वेश्चन को देखो नोट लगा हुआ है विशाल साख्या सही है फॉन रॉक तुम लोग नाम भी तो ऐसे ऐसे डाल देते हो ना कुछ समझ में नहीं आता है गिरीश दोबारा बनाओ अब देखो क्या नाम बोलूं तुम लोग नाम ही ऐसे रखे हो इंजीनियरिंग और क्या क्या नाम रखे हो कहां से बोलूं वरुण ठीक है राहुल वरुण गलत है बेटा राहुल सही है नीलेश सही है उज्जवल दीपक ठीक है राकेश क्या लिखे हो ठीक है हैड नॉट राजेंद्र सही है बाजू का काम वाली काम करना यार क्या उल्टा सीधा मैसेज करे जा रहे हो कंसंट्रेशन या डिस्टर्ब हो रहा है सत्यांश ठीक है शिव सागर आंचल अरुण अमरजीत अंकित ठीक है इफ गायब है प्रतिमा हाँ ठीक है प्रशांत देखो नोट लगा हुआ है क्वेश्चन में ढंग से देख बिल्कुल मिलने के लिए आओ बाजू का वेदर लगाओगे तो नोट मत लगाना आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है मैं दोनों का आंसर दे रहा हूं सी से टू मी वर यू नॉट लिविंग देयर सी आस्क मी इफ आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर सी आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट बीन लिविंग देयर कंप्लीट कर लेना सेंटेंस को शायद नीचे ना दिखे दूसरा क्वेश्चन क्या था सी सेड टू मी डू यू नॉट लव मी क्या बन जाएगा सी आस्ड मी आस्ड मी इफ आई डिड नॉट लव मी किसके अनुसार सी के अनुसार हर ये देखो नेक्स्ट आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो राइट डाउन राम से टू मी डज ही नो यू राम से टू मी डज ही नो यू नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो दे सो इट सेड टू मी डू वी नॉट हेल्प यू दे से टू मी डू वी नॉट हेल्प यू बनाओ सिमरन गुड नाइट इफ ही न्यू मी अनिल ओके इफ डीड कहां से आया बेटा दीपक वरुण कोई बात नहीं लाइफ में सब पहली बार ही होता है सो नो नीड टू वरी अबाउट बनाते हैं अयोध्या का प्लान अभी आगे बढ़ो राम आस अमरजीत ठीक है अब नोड नहीं होता है राजेश नो न्यू न्यू होता है डिड नॉट कहां से आया मयंक दोबारा चेक करो वी कहां से आया दिव्या इफ दे राजेंद्र ठीक है आनंद शुभम तिवारी ठीक है राहुल विशाल आगे चलो राजेश ठीक है हसवनी पढ़ ले क्यों दिखाई नहीं दे रहा भाई क्या हो गया अब तो इंक भी डाल लिया हूं चलो आंसर देखो दोनों का पहला क्वेश्चन क्या था राम से टू मी ही नो यू यही था ना हां पहले वाले का आंसर देखो राम इफ ही न्यू मी राम आस्क्ड मी इफ ही न्यू मी सेकेंड क्वेश्चन देखो था? न, क्या था क्या था दे से टू मी डू वी नॉट हेल्प यू यही था ना क्या बन जाएगा दे आस्क्ड मी आस्क्ड मी इफ दे डिड नॉट हेल्प मी इफ दे डिड नॉट हेल्प मी नेक्स्ट आ जाओ अभी और दो क्वेश्चन करो लिखो क्वेश्चन राम से टू सीता डिड यू टीच माई सिस्टर राम से टू सीता डिड यू टीच माई सिस्टर टीच माई सिस्टर एक और क्वेश्चन लिखो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन सेठ टू हिज सिस्टर डिड यू नॉट टेक माई वॉच Mohan said to his sister, Did you not take Mohan said to his sister, Did you not take my watch? My watch. चलो ये दोनों बनाओ मैथ का क्लास मेरे ख्याल से मैथ्स का नाइन टू टेन है सिस्टर रॉक क्या नाम है इफ सी हैड के साथ हमेशा भी थ्री लगता है राहुल अब इतना स्पीडली तुम लोग भेज रहे हो नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं बाजुका इफ, सी, नहीं गलत है ये माता प्रसाद कौन है गलत है सिस्टर मनीष ठीक है दिव्या ठीक है गीतांजलि उज्जवल मयंक प्रतिमा पवन शुक्ला कैलाश यादव गुरजंत सिंह शेखर प्रताप ठीक है संगीता इंग्लिश क्लास डेली होगी बेटा प्रमोद प्रेरणा मिश्रा प्रेरणा मैडम जगे हुए है आप। आप हैं आप गुड है। आ जाइए शिवम गुप्ता पूजा एट्स गुड गोइंग ऑन आप लोग सीख गए हैं ठीक है आइए जरा दोनों का आंसर देख लीजिए बारह क्वेश्चन था राम से टू सीता डिड यू टीच माय सिस्टर राम आस्क्ड सीता इफ सी हैड टॉट हिज सिस्टर मैं ऊपर बना रहा हूं इसका आंसर राम आस्क्ड सीता इफ सी हैड टॉट राम आस्क्ड सीता इफ सी हैड टॉट हिज सिस्टर अब एक चीज ध्यान रखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेल नाम के लिए ही ले लेते हैं और फीमेल नाम के लिए सी ले लेते हैं कंफ्यूज मत होना फिर से मैं बता रहा हूं मेल नाम के लिए ही ले लेना और फीमेल नाम के लिए सी ले लेंगे ठीक है नेक्स्ट आ जाओ क्या था मोहन से टू हिज सिस्टर डिड यू नॉट टेक माय वॉच मोहन आस्क्ड हिज सिस्टर मोहन आस्क हिज सिस्टर इफ सी ड नॉट टेकेफ सी हैड नॉट टेकन हिज वॉच क्लियर है अभी तक कोई कंफ्यूजन तो किसी में नहीं है जल्दी से जल्दी से देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन आनंद ओके okay. लेट दिए सुल्तान आदाब जी क्या हाल है हाँ राजेश तुम्हारा सही था जल्दी से ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ठीक है बिल्कुल नीरज सेल्फी होगी प्रयागराज में हम लोग मिलेंगे खूब मस्ती करेंगे आसपास का एरिया बताना क्या क्या घूमने लायक है नीलेष बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा बेटा तुम्हारा डिमांड भी ठीक है कल हम लोग डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस शुरू करेंगे आज भर के लिए बस इतना ही बच्चा लोग अपना ख्याल रखना भूलना मत पच्चीस तारीख आपके शहर में हम लोग आ रहे हैं पूरा एग्जामपुर की परिवार की तरफ से आप सबका वेलकम है जरूर आइएगा मिलने के लिए एंड सेल्फी लेने के लिए एंड विवेक सर का डांस भी देखेंगे कुछ डिस्कशन भी होगा कुछ करियर के बारे में भी बातें करेंगे तो बी प्रीपेयर्ड फॉर ऑल दिस एंड हम लोगों को घुमाने के लिए तैयार रहना प्रयागराज में पच्चीस दिसंबर को हम लोग पहुंच रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना प्लीज़ इसको गली गली तक गांव के हर गली में पहुंचाओ क्योंकि आप ही लोग के थ्रू हम लोग पहुंच सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा गुड नाइट टेक केयर बाय बाय हो आप अपने परिवार एग्जामपुर को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद